जितने भी एक्टिविटी वाले टीचर्स हैं वो ध्यान दें। अभी जब आप एक्टिविटी के जब परेड में जब क्लास में जा रहे हैं तो अभी आपको मैं इस टाइप के जो है आपको मैप मिल जाएंगे, इंडिया का है इसमें, और इसमें ही आपको आपको एमपी का भी मिल जाएगा और वर्ल्ड का भी है। तो आप पहले तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली बात है पहले तो बच्चों को समझाना होगा। तो आप यूजुअली परेड लगते रहते हैं, आप मान लीजिए बारिश का टाइम है तो आप बाहर जा नहीं पा रहे हैं, बच्चों को बाहर नहीं ले आ सकते, स्पोर्ट्स के लिए नहीं ले आ सकते हैं। तो पहले तो आप जो है मैप जो जैसे ये लगा हुआ है तो आपने मैप अपने क्लासरूम में लगाएं और बच्चों को अलग अलग एंगल से मैप को समझा दें। अब वो अलग अलग एंगल कौन से उसके बारे में बात करते हैं। एंगल से आपने समझाया, मान लीजिए आपने दो दिन तीन दिन तक आप जब भी आपके परेड लगे आप समझाने गए, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ऐसे ब्लैंक मैप भी मिलेंगे। तो ब्लैंक मैप जो है बच्चों को आपको देना है और इसको भी अलग अलग एंगल से बच्चों से फील करवाना है ना, क्योंकि यदि बच्चों को मैप ही बहुत अच्छे से यदि उनको आ गया तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में कवर हो जाएंगे, बहुत सारा नॉलेज अपने आप में कवर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसको अलग अलग एंगल में समझाना है और अलग अलग एंगल से या अलग अलग टाइप से इसको फील करवाना है। कैसे, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने जब आप मैप समझा रहे हैं तो आप इसमें ये भी समझा सकते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, चाइना है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर ये थोड़ा सा इधर टच हो रहा है अपना अफगानिस्तान भी है, हमारे स्टेट कहाँ हैं, हमारे स्टेट की नेबरिंग स्टेट्स कौन सी है वो आपने बता दिया, कैपिटल कौन कौन सी है, स्टेट कौन कौन से हैं, ईस्ट किधर साइड है, किस साइड है, अरे ईस्ट किस साइड में, इस साइड या इस साइड, यस इस साइड ईस्ट है, तो ईस्ट साइड में ये ईस्ट है, तो ईस्ट साइड में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, यहाँ सेवन सिस्टर्स है, किसको सेवन सिस्टर बोलते हैं, अभी जो लफड़ा चल रहा है तो, या अभी जो सरकार गिर गई है वहाँ पर अत्याचार भी हो रहा है हिंदुओं पर, तो वो कहाँ पर है, ये बांग्लादेश जो है ये किससे हटके बना है, ईस्ट पाकिस्तान है ना, ये वैसे ईस्ट बंगाल था और जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ये जो है ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जिसको 71 में आज़ाद करवा करके नया देश बना दिया बांग्लादेश, और वही ये ईस्ट बंगाल है, तो जो बचा हुआ वेस्ट बंगाल है वो हमारे पास है, जहाँ कलकत्ता वगैरह है, और जहाँ पर अभी किसकी सरकार है, ममता बनर्जी, कौन सी पार्टी है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। इसी टाइप से आपने स्टेट्स बता दिए, आपने कैपिटल्स बता दिए, आपने अलग अलग इसमें जो कहे कि कहाँ पर कौन कौन से टाइप के मिनरल्स मिल रहे हैं, कहाँ की नेचुरल जो खासियत क्या क्या है, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कि समुद्र के पास में है ना, कोस्टल एरिया जिसको हम बोलते हैं, कौन से ऐसे हैं जो ये हिमालय के पास में स्टेट्स हैं, मतलब हमारे देश को अलग अलग एंगल से देखने का उसको जो है बच्चों को नज़रिया डेवलप हो जाएगा। ये वाली जो बीच में लाइन जा रही है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ भाई की बात है कर के रखा भाई बात, ठीक है। अच्छा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही, तो इससे कौन कौन से कौन कौन से मतलब जो है अपने शहर वगैरह टच में आ रहे हैं, फिर इसके अलावा हम बात करें कि ईस्ट साइड कौन कौन से राज्य हैं, वेस्ट साइड कौन से राज्य हैं, नॉर्थ साइड कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य में कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में इशू था 370 का, तो 370 का इशू था, तो 370 के बच्चे दिमाग में आया तो वो खुद जाके सर्च करेगा, देखेगा कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। अभी ये अपने स्कूल में जितने टीचर्स हैं कौन कहाँ से हैं, जैसे अपने मिस्टर नायक ये कहाँ से हैं, उड़ीसा, कहाँ गया, गायब हो गया क्या, अच्छा ठीक है, ये यहाँ से उड़ीसा से, फिर बोले कि वो अपने आरपी सर बोले यहाँ केरला से, यहाँ से अभी जो बोले कि वो अभी बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ
है ना, बहुत सारे लोग मतलब हाँ, तो वो कहाँ पे, अरे लैंड स्लाइड हुआ उसकी बात करो, अभी अभी लेटेस्ट कहाँ पे हुआ है, वायनाड, वायनाड कहाँ है, केरला में है ना। तो आप उसमें लेटेस्ट न्यूज कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है। अच्छा, हमारे देश में सबसे बड़े जो मिल्क प्रोड्यूसिंग मतलब कहीं की कंपनी है ना, वो हम बात करेंगे, वो अमूल, अमूल कहाँ है, गुजरात में। अमूल का फुल फॉर्म क्या है कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं बताओ, खड़ो हो, हाँ जोर से बोलो, आनंद मिल्क, हाँ। और आप बताओ, आनंद है क्या, आनंद है, आनंद है या आनंद है, क्या है, आनंद है या आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद नाम से शहर भी है वो गुजरात में है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, अच्छा पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, मतलब इसमें बहुत कुछ है। आई मीन टू से कि यदि आप ऐसा एक्टिविटी का ऐसा टॉपिक है ये कि जब बच्चों को आप बाहर नहीं ले आ सकते हैं, तब आप क्लासरूम में खाली एक मैप पर आप मेरे हिसाब से आप चाहें तो 25 दिन क्लास चला सकते हैं, जरूरत ही नहीं पढ़ी खरीदते, तब तक तो बारिश रुक जाएगी, आपको बाहर जाने मौका मिले। तो पहले आप ये पहले तय कर लें कि आज मुझे क्या क्या कवर करना है। मैं तो बहुत सारी बातें चीज़ें साथ में कवर कर ली, आप एक दिन तय कर लीजिए कि मुझे सिर्फ कंट्री कवर करना है, मुझे सिर्फ स्टेट कवर करना है, मुझे कैपिटल कवर करना है, क्या कवर करना है, वो आप तय कर लीजिए। और ये तय करने के बाद में फिर जो है एक दिन में एक ही चीज़ बताना है, एक या दो चीज़, ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, नहीं तो कन्फ्यूजन में हो जाएगा। अब आप लोग, हम लोग टीचर हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बच्चे इतना नहीं कैच कर पाएंगे, तो बच्चों को जो है उनके लेवल के हिसाब समझाएं। फिर आप मान लीजिए आपने एक सप्ताह, दो सप्ताह, इस पर एक सप्ताह आपने बच्चों को दिया, अब आपने जो पढ़ाया उसका आउटकम क्या निकला, वो बच्चे को आप इस पर पूछ रहे हैं। आप क्या करेंगे, एक ही पेज से बहुत बार आप काम ले सकते हैं। एक बार आपने बच्चों से बोल दिया कि जो है आप अपने नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग कंट्री के बारे में कहाँ कहाँ पर है बताओ, है ना, गंगा नदी कहाँ है वो बताओ, नदियों के बारे में बता दो। एक बार आपने बता दिया कि जो है ये साउथ के जो स्टेट्स हैं इनके नाम लिखो या उनको कलरफुल कर दो। एक बार नॉर्थ के स्टेट बता दिए, एक बार साउथ की, एक बार वेस्ट की बात कर ली, एक बार ईस्ट की बात कर ली, एक बार जो है आपने रेलवे की बात कर ली, एक बार आपने जो है इसकी बात कर ली, आपने अरे रोड की बात कर ली, है ना। तो आप एक ही मैप को अलग अलग तरीके से बार बार आप उसको करा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ पढ़ी है वो चीज़ ऐसी पढ़ी हो कि वो मतलब बहुत बेहतरीन पढ़ी हो। हमारे यहाँ के बच्चे को मैप आपने सिखाया है तो ऐसा सिखाया है कि वाकई में क्या सिखाया है, ऐसा होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब ये इसको सिखाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जो है यदि वो बच्चे स्कूल में तो हम कर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन घर पे जब जा रहा है तो बच्चा वो खुद मैप तो देखते ही होंगे, बच्चे तो आजकल इतने तो हमसे ज़्यादा जानते हैं बच्चे, खैर लेकिन मैप की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैप जो है बच्चों को यहाँ देखना है, आराम से देखता रहे, है ना, गली मोहल्ला सब दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, तो इसका इस्तेमाल करें वो, लेकिन उसको अच्छे से पता हो, बहुत अच्छे से बताओ, क्योंकि ये चीज़ लाइफ टाइम उसको काम आएगी, लाइफ टाइम। कहीं वो गाड़ी लेके जा रहा है तो भी उसको पता काम आएगी, लाइफ टाइम। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मतलब कोई रॉकेट साइंस है, कोई बहुत अलग चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं, अल्फा बीटा गामा जैसी कुछ चीज़ नहीं है कि पता ही नहीं कि यूज़ कहाँ आएगा, लेकिन ये बात तय है कि यूज़ कहाँ आएगा, कैसे आएगा पता है उसको, और उसकी इसके साथ में उसको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ऐसे पता चल जाएगा। यदि आप इकोनॉमिक की बात करेंगे तो वो भी एस्पेक्ट इसमें है भाई, इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात यदि करेंगे तो कौन से स्टेट हैं जो ज़्यादा आपको कमाई दे रहे हैं, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो ज़्यादा कमा पा रहे हैं या ज़्यादा उनके अर्निंग क्यों हैं, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो जहाँ पर मिनरल ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर मिनरल तो इधर ज़्यादा है, अब मिनरल इधर ज़्यादा है फिर भी हम जो है ये इस साइड के स्टेट गरीब क्यों हैं, इधर मिनरल कम है फिर भी ये स्टेट्स अमीर क्यों हैं,
उसमें कोई ना कोई तो बात होगी। एक्चुअली एक नियम लाए थे, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो नियम ये था कि मिनरल्स तो इधर हैं बहुत सारे, लेकिन जो है और इस साइड में और दूसरी जगह और फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ लग सके, इसके लिए एक डील हुई थी कि भाई हम जो है आपको सब्सिडी देंगे, आप जो माल मंगवाओगे उसमें हम आपको सब्सिडी देंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया कि इंडस्ट्री जो है भले माल यहाँ पर है, जैसे कोयला वयला चाहिए तो वो यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री डाली यहाँ पर, यहाँ पर इधर इंडस्ट्री डाली, क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह करना आसान रहेगा, और हमारे देश में तो जो कोयला आएगा उस पर तो हमको सब्सिडी मिलेगी, तो वो तो हमें आसानी से मिल जाएगा, मिनरल्स तो हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो ये एक कहेंगे एक जो कानून लाए थे ये, या एक मतलब कहेंगे इंडस्ट्रीज़ को जो है सब्सिडी एक टाइप की दी थी, जिसमें ये फ्रेट सब्सिडी हम बोल सकते हैं, फ्रेट सब्सिडी जो दी थी उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ डेवलप इधर हुई है, और जो है देखा जाए तो मिनरल्स ज़्यादा इधर है। खैर खाली एक ये भी वजह नहीं, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री इधर नहीं थी, और भी वजह बहुत सारी है, मिसमैनेजमेंट भी रहा है, इधर जो इंडस्ट्रियाँ रही उनमें मिसमैनेजमेंट ज़्यादा हुआ है तो वो डेवलप नहीं कर पाई, इधर की इंडस्ट्रियाँ जो है मिसमैनेजमेंट कम हुआ है तो वो ज़्यादा डेवलप कर पाई। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस एकमात्र एक्टिविटी में देखने को मिल जाएंगे। आप मेरी बात से एग्री है कि नहीं है? यस, तो आप इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।